एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन के तमिलनाडु की सीएम बनने पर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव भी शशिकला को शपथ ग्रहण कराने से पहले कानूनी सलाह ले रहे हैं। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आने वाला है। इस मामले में शशिकला नटराजन और दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता आरोपी हैं। माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला शशिकला के खिलाफ देता है तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव नई दिल्ली से चेन्नई न जाकर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई में वह शपथ ग्रहण पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। उधर डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन दिल्ली पहुंचे हैं। वह पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इसी मामले पर मुलाकात करेंगे। स्टालिन ने इससे पहले केंद्र सरकार से शशिकला को सीएम पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की थी। आपको बता दें कि रविवार को हुई एआईएडीएमके के विधायक दल की बैठक में शशिकला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, जिसके बाद राज्य के सीएम ओ पनीर सेल्वम ने इस्तीफा दे दिया था। पनीर सेल्वम का इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। शशिकला फिलहाल पार्टी की महासचिव है और जल्द ही सत्ता की कमान भी संभाल सकती है। शशिकला का एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। जयललिता की भतीजी दीपा ने भी इसे सैन्य तख्ता पलट जैसा बताया था। अब देखना होगा कि शशिकला की ताजपोशी हो पाती है या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।